अथर्व पैंथरच्या संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. डॉक्टर अरविंद सिंग चौहान, अरविंद सिंग चौहान सर पुन्हा एकदा अरमान गोलंदाजीसाठी तयार. सुंदर चेंडू, तेवढाच चांगला सुंदर फटका मारला. एक धाव पूर्ण करताय दोन्ही फलंदाज. सुंदर क्षेत्ररक्षण होत आहे. एका धावेने संघाची धावसंख्या होते ती एक. पहिला षटक चालू. पुन्हा एकदा अरमान कदम इलेवन के कॅप्टन. सुंदर फटका और हलक्याशा बॅटने खेळून काढलाय. एक धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. हरीश सर पैसे आहेत का? आखिर पाल ही काम आया और बहुत सारी चिल्लर उन्होंने अपने जेब से निकाली, बोले मेरा रोज का काम है. तो यहाँ पर टॉस होगा. पुन्हा एकदा अरमान सुंदर फटका. पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू पकडतो का. एक टप्पा चेंडू पकडला आणि फेकतो तो गोलंदाज आर्मन याच्या हातात. एक धाव और अपनी चिल्लर लेके भाग रहे हैं पाल, पैसा नहीं देना चाहते. धाव संख्या होते ती चार. पहिले षटक चालू. सॉरी तीन. केम्पा उधर जाके फोन करो, हाथ निकालो. सुंदर फटका स्ट्रेट ड्राइव केलाय एक धाव साठी. सुंदर अशी गोलंदाजी अजूनपर्यंत करतायत ते डॉक्टर अरमान. जल्द से जल्द निर्णय बताए. कदम इलेवन अरविंद सिंग चौहान सर, डिसीजन फास्ट. ग्राउंड खाली है, ग्राउंड खाली है. पुन्हा एकदा अरमान पुढील चेंडू घेऊन सुंदर फटका. सुंदर क्षेत्ररक्षण तेथे डॉक्टर कलाम यांचा. दोन धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. कॅप्टन धाव संख्या दोन धावाने पुढे सरकते. धाव संख्या होती ती सहा. सर हमारे ओपीएल के मेंटर डॉक्टर अरविंद सिंह सर ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग लेने की फील्डिंग लेने लिया है. पाचवा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा अरमान. मॅच पिच नंबर सुंदर असा फटका मारलाय. क्षेत्ररक्षक धावतायत गॅप मध्ये चेंडू. कदम इलेवन वर्सेस श्री गणेश आणि हा सुंदर ओपीएल चौकार. डॉक्टर अरविंद सिंग वर्सेस डॉक्टर सुंदर फलंदाजी. सुंदर असा चौकार. मैं सर को याद दिलाना चाहूंगा, वो धाराव है लेकिन सर धाराव करते हैं. धाव संख्या डबल फिगर मध्ये. धाव संख्या होते दहा. पहिला षटक चालू. पाच चेंडू झालेले आहेत. अभी उनका जो भी फॉर्म है अभी देखेंगे हम. डॉक्टर रवि पांडे भी एकदम मैच के लिए रेडी है. अपनी स्ट्रेचिंग करके ले रहे रवि पांडे सर. मेरे पास दे दिया अभी. पहिला षटक संपलो आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती दहा. ऑस्कर ठाणे वर्सेस श्री गणेशा पॅन्थर्स जो मॅच हुआ है वहां पे ऑस्कर ठाणे जीत के डायरेक्ट फाइनल में चला गया है और श्री गणेशा टाइगर्स अभी मॅच खेलेंगे क्रिटिकेर नाइट राइडर्स के साथ. श्री गणेशा टाइगर्स और क्रिटिकेर नाइट राइडर्स का मॅच होगा ये मॅच के बाद, पिच नंबर वन के मॅच के बाद. तो उसके लिए रेडी रहो. श्री गणेशा पैंथर्स वर्सेस क्रिटिकेर नाइट राइडर्स, इनका मैच पिच नंबर वन पे मैच होने वाला है पैंथर्स और जो बीएमए मस्टांग का होने के बाद. पिच नंबर वन पे मॅच चालू आहे. सुंदर असा उंच फटका मारलाय. जल्दी से पाहूया झेल होतो काय. आणि सुंदर असा झेल पकडलाय. पहिला गडी बाद होतो तो. जल्दी से जल्दी डॉक्टर अरविंद सिंग सर ने एमबीएम लगाना है. एमबीएम ऑस्ट्रेलिया संघाचा फील्डिंग आपका फील्डिंग का आपने जो डिसीजन लिया है पिच नंबर टू पे आप फील्डिंग लगाओ और जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट करो. और डॉक्टर हरीश आपने दो जो प्लेयर है जो ओपनर है उनको आप भेज सकते हो पिच नंबर दो पे. डॉक्टर हरीश धाराराव. हाँ पिच नंबर वन पे जो मैच चालू है बीएमए मस्टांग
एंड आथरो पैंथर्स के एक एक प्लेयर को यहाँ स्कोरर के पास आना है जल्दी से जल्दी। बीएमए मस्टांग एंड आथरो पैंथर्स डॉक्टर अब्दुल आपके एक प्लेयर को भेजो स्कोरर के पास। डॉक्टर अब्दुल आप एक स्कोरर को भेजो, स्कोरर के पास भेजो आपके प्लेयर को। और बीएमए मस्टांग हरीश सर आपका भी एक प्लेयर यहाँ पे स्कोरर के पास भेजो। और कदम इलेवन डॉक्टर अरविंद सर स्कोरर के पास एक प्लेयर भेजो आपका। दो नंबर पिच पे कदम इलेवन वर्सेस श्री गणेशा टाइगर्स मैच होने जा रहा है, तो दोनों ने भी एक एक प्लेयर स्कोरर के पास भेजना है। सात ओवर सेवन सेवन, ये डॉक्टर्स के मैच सेवन ओवर के हैं। अभी ये मैच सेवन ओवर का ही होगा। मनोज सर कूपन चाहिए कूपन, ये जो ठाणे की टीम है ठाणे की, मनोज उपाध्याय कूपन चाहिए, इधर ही रखा है कूपन सर। एक नहीं अकरा जा पंद्रह किती प्लेयर आहेत तिथे जाऊन हात दाखवा जा। हां हात दाखवा जा। ए अनिल सर ने एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड किया था कल, मैं अमोल सर को याद दिलाना चाहता हूँ। जीरो बॉल पे 11 रन देने का रिकॉर्ड किया अनिल सर ने, क्या बात है क्या बात है। ऐसा रिकॉर्ड जा कभी हमने देखा नहीं, पूरे लाइफ में मैंने ऐसा रिकॉर्ड देखा नहीं। जीरो बॉल पे 11 रन कौन दे सकता है यार, कौन दे सकता है? ऐसा कोई है जो अनिल सर को टफ दे सकता है? जीरो बॉल पे 11 रन, ये बहुत ही कमाल कर दिया था अनिल सर ने कल, और आज भी कमाल कर रहे करने वाले हैं। अनिल सर पिछले दो तीन महीने से दो दो बॉल से बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या नहीं। वेयर इज अंपायर पिच नंबर टू, वेयर इज अंपायर कम फास्ट, खाना खाओ जल्दी आओ। यहाँ पर स्टेडियम में स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर अतुल पारस्कर। जिस तरह से इस पृथ्वी पर ओजोन का लेयर छाया हुआ है, उसी तरह से स्टेडियम पर ये ओजोन का लेयर आता हुआ, वो विनर बनना चाहते हैं। कल रात में वो सोए नहीं हैं, बार बार फोन कर रहे थे कि मेरा कोई चांस है कि नहीं है, लेकिन उनका तो पूरा चांस बनता है विनर बनने का। डॉक्टर अतुल हमारे ओपीएल की आन बान शान है। डॉक्टर अतुल ओजोन हॉस्पिटल के ओनर, डॉक्टर अतुल हमारे ओपीएल की आन बान शान। डायरेक्टली विरार वसई से आते हो और विरार वसई से वो इतनी अच्छी टीम लेके आते, ओजोन टीम के डायरेक्टर, ओजोन टीम के ओनर और हमारे बहुत ही जिगरी यार डॉक्टर अतुल ओजोन टीम को लेकर पहुंच गए स्टेडियम में, और वो बहुत ही एक्साइटेड है। उनका मैच अभी थोड़ी देर में होगा, ओजोन टीम वर्सेस केयर चैलेंजर्स का मैच है। ओजोन टीम ओजोन सेवियर्स वर्सेस केयर चैलेंजर्स का नॉकआउट मैच है, तो अपने अपने प्लेयर को सबको बुला के रखो स्टेडियम में। क्रिटिकेयर नाइट राइडर्स जेवन मेवन करून रेडी रहा, यानंतर तुमचा मैच है फाइनल। अभी श्री गणेशा पैंथर्स वर्सेस क्रिटिकेयर नाइट राइडर्स का सेमीफाइनल होगा। पिच नंबर दो पे हमारे जो कदम इलेवन टीम है वो एंड श्री गणेशा टाइगर्स की टीम, दोनों का मैच शुरू होने जा रहा है। पिच नंबर दो पे डॉक्टर अरविंद सिंह वर्सेस डॉक्टर हरीश धाराराव। डॉक्टर हरीश बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने टीम के ऊपर, और उन्होंने अपना बेस्ट बैट्समैन जो है वो दोनों को भेजा है। डॉक्टर प्रणिल बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग सब कुछ करते हैं वो, और वो नासिक से आते हैं, चांदौड़ कॉलेज के
नासिक से डॉक्टर प्रणिल स्पेशली प्लेयर बुलाया है हरीश सर ने, और दूसरा कौन है नाम क्या है, और डॉक्टर अनिल यादव, ये अनिल एंड प्रणिल ये दोनों जोड़ी अभी पिच नंबर दो पे बैटिंग करने के लिए आई है। देखते हैं क्या कमाल कर देते हैं दोनों अनिल एंड प्रणिल। दोनों टीम के कैप्टन को मैं बोलना चाहता हूँ, आपका एक एक प्लेयर स्कोरर के पास बिठाओ, हरीश सर और कदम सर के डॉक्टर अरविंद सर स्कोरर के पास एक एक प्लेयर बिठाओ अपना। कदम इलेवन का नहीं है, है? कदम इलेवन डॉक्टर अरविंद सर एक प्लेयर को भेजो इधर स्कोरर के पास। कदम कदम मिले उनका एक प्लेयर यहाँ पे स्कोरर के पास आया है। डॉक्टर अरविंद सिंह पहली ओवर लेकर आ रहे हैं अनिल को, अनिल एंड प्रणिल। अनिल प्रणिल एंड डॉक्टर अरविंद सिंह देखते क्या करते हैं अभी। डॉक्टर अरविंद सिंह सर बहुत ही ऑलराउंडर प्लेयर है, ओपीएल के मेंटर है, और वो अपना पहला बॉल लेकर आ रहे हैं अनिल के लिए। अनिल ने जोर से उठा के मारा है और एक नीचे प्लेयर भी आ रहे आउट। क्या बात है अरविंद सिंह सर, क्या बात है, पहले ही बॉल पे आपने बहुत ही बढ़िया विकेट अनिल का लेके दिया है अपने टीम के लिए, और क्या कैच लिया है रविंद्र डॉक्टर रविंद्र ने क्या कैच लिया है। ग्रेट डॉक्टर अरविंद सिंह सर की बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, और बैट्समैन को उन्होंने ललचाया, पहला ही बॉल मारने के लिए मजबूर कर दिया ऊपर, और बैट्समैन ने वो मौका गंवाया नहीं, मारने की कोशिश की, लेकिन बैट और बॉल का इतना ज़्यादा संपर्क नहीं हुआ कि वो सिक्स के बाहर जा आए, इसकी वजह से पहले ही बॉल पर उन्होंने अपने टीम के लिए एक अच्छी सी सफलता। क्या बात है, न्यू प्लेयर का नाम बताओ हरीश सर। कृष्णा, अभी कृष्णा एंड प्रणिल देखते स्ट्राइक रेट है। कृष्णा अभी न्यू बैट्समैन गणेशा टाइगर्स के कृष्णा आए हैं, अभी कृष्णा देखते क्या कमाल करते। अरविंद सिंह सर का सेकंड बॉल डॉक्टर कृष्णा, देखते अभी क्या कर पाएंगे अपने टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया बॉलर। अरे दूसरा बॉल डालार वो मारने की कोशिश की, लेकिन जितना उतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ, फिर भी वो एक रन चुराने में कामयाब हो गए, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो रही है कदम इलेवन की तरफ के डॉक्टर अशोक, इन्होंने बहुत ही अच्छा फील्डिंग करके एक रन अपने टीम के लिए बचाया है, नहीं तो नॉर्मली ये जगह पे दो रन तो बनना ही चाहिए था, लेकिन एक रन उन्होंने बचाया अपनी टीम के लिए। अरे तीसरा बॉल डॉक्टर अरविंद सिंह का, अरे प्रणिल ने जो उठा के मारा है डायरेक्टली स्टेडियम के बाहर सिक्स। क्या बात है, डॉक्टर प्रणिल ने पहले ही बॉल पे पहला ही छक्का लगा दिया ये मैच का, और डॉक्टर हरीश धनराव बहुत ही खुश बीएमए मस्टैंग प्रणिल और अथर्व पैंथर्स प्रदर्शन पे। ओह मिसफील्ड और कैच छोड़ा, यहां पर जीवन दान दिया बैट्समैन को, ये सुस्त लग रहे हैं थोड़े से, जिस तरह से फील्डिंग का रविंद्र ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करके नजारा दिख रहा है, अथर्व पैंथर्स को थोड़ा संभलना होगा, और अपने टीम के लिए डॉक्टर देव को अपने फील्डरों में थोड़ा सा जोश लाना होगा, लेकिन रविंद्र ने एक तरह की सुस्ती छाई हुई फील्डिंग में बचाया अपने टीम के लिए। डॉक्टर अरविंद सिंह बहुत ही अच्छे बॉलर, बीएमए मस्टैंग के बैट्समैन कुछ इशारा कर रहे हैं, और उसके बाद ये फिर से अपना स्टंप के बाहर व्हाइट का इशारा अंपायर का, डॉक्टर देव शर्मा को रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा। अरे डॉक्टर अरविंद सिंह के बॉल
बहुत ही अच्छा बॉल आ रहा है, उतना ही अच्छा रिस्पेक्ट प्रनिल ने वो बॉल के लिए दिया है, क्या रिस्पेक्ट दिया है बैट्समैन ने वो बॉलर को। स्कोर कितना है? बहुत ही अच्छा बॉल था। बीएमए मस्टैंग 34 रन्स एक विकेट के नुकसान पर खेला है, 2.5 ओवर्स हुए हैं। आखिरी गेम डॉक्टर पटेल ने बहुत अच्छी तरह अरबाज की ऑफ साइड पे प्लेसमेंट करके दिया है और वो बहुत ही अच्छी फील्डिंग और एक ही रन ले पाएंगे। रोकना होगा थोड़े समय के लिए, अगली गेंद लेके आएंगे अरमान, जरूरी है ऐसे समय पे। अथर्व पैंथर्स के तो ये अच्छा बॉलर बनेगा, 4 और 6 पे डिपेंड मत रहो। ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और ये टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्सर, रॉयल के हमारे बेहतरीन शॉट, बहुत ही अच्छे विकेट कीपर डॉक्टर आमिर शेट्टी। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई ये गेंद, स्वागत करता हूँ ओपीएल 3 जिस तरह से इन्होंने शॉट ये कसा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। मैं डॉक्टर आमिर शेट्टी सर का बीएमए मस्टैंग स्वागत करता हूँ। 40 रन एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स खत्म हुए हैं, बीएमए मस्टैंग बहुत ही अच्छी ओपनिंग बीएमए की। माइंडर मेडिकल एसोसिएशन रविंद्र बैट बॉलर का नाम क्या है, देवेंद्र बहुत ही अच्छा बॉलर है, कदम 11 टीम का दूसरा ओवर लेके आ रहा है और ये पहला बॉल डॉक्टर प्रनिल के लिए और डॉक्टर प्रनिल ने जो जोर से घुमा दिया लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं है। अगर डॉक्टर मेघराज तो शायद सीख ये काफी जिम करते हैं डॉक्टर और बहुत ही अच्छे केजीएफ हाउस में भी जाते हैं टीम के और अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं। पर भरोसा दिखा ये पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक गैप में मारा कमाल सर, एकदम लपक गए बॉल को प्रवीण ने बहुत ही अच्छा, कमाल सर को देखकर बैट्समैन दौड़ने की कोशिश भी नहीं किया, बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हैं कमाल सर, अच्छी फील्डिंग, 4 रन बचा लिया फिर भी डॉक्टर प्रनिल ने 3 रन भागा के मेघराज की अगली गेंद बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। और बीएमए मस्टैंग का बहुत ही बड़ा स्कोर यहां पर, आपके टीम का स्कोर 3.1 ओवर के बाद 41 रन एक विकेट के नुकसान पर, 2 या 3 रन अथर्व पैंथर्स को रोकना होगा बीएमए मस्टैंग को, नहीं तो देखते ही देखते एक स्कोर 80 के पार चला जाएगा। मेघराज की अगली गेंद सामने बीएमए मस्टैंग, ये फिर से एक लूज बॉल और कप्तान खुद फील्डिंग करेंगे, लूज बॉल पसंद है बैट्समैन को और बहुत तगड़ा शॉट देते हैं उस पे। डॉक्टर सतीश यानी ऑस्कर रॉयल्स प्लेयर ला फोन करून लवकरात लवकर ग्राउंड वर बोलने की कृपा कराई। डॉक्टर सतीश आणि डॉक्टर अनिल ये दोनों एक दूसरे के, ये अगेन एक फिर से लूज बॉल, फिर भी यहाँ पर बैट्समैन चूके। डॉक्टर मेघराज की अच्छी गेंद, इन्होंने गति परिवर्तन किया डॉक्टर मेघराज ने, डॉक्टर कुछ सुधार आता हुआ अथर्व पैंथर्स में, डॉक्टर कृष्णा आउट होते हुए ये फिर से जोरदार तमाचा 4 रन के लिए डॉक्टर सीमा रेखा के पार। डॉक्टर बीएमए मस्टैंग का स्कोर हुआ, दोनों ही साथ में बैठे हैं और डॉक्टर अनिल हमेशा डॉक्टर सतीश से टिप्स लेते रहते हैं, वो उनके गुरु मानते हैं डॉक्टर अनिल और डॉक्टर सतीश को। अभी वो दोनों भी साथ 46 रन शायद 2 महीने एक विकेट के नुकसान पर बीएमए मस्टैंग 46 और वो अपना टिप्स ले रहे हैं क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई है। ये बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर बीएमए मस्टैंग की, टिप्स ले रहे हो डॉक्टर सतीश से। मेघराज अगली गेंद लेकर आएंगे और बैट्समैन की आंखों में अंगारे, डॉक्टर अनिल ये डॉक्टर अनिल जोरदार मारने की कोशिश एक साथ दो, लेकिन नहीं कैसा खेल सकते हैं वो बताओ हमें, चूक गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी यॉर्कर लेंथ पर डॉक्टर मेघराज की, अगली गेंद ये फिर से वही गलती और ये नहीं रोक पाए, 4 रन का इशारा, 50 रन पूरे बीएमए मस्टैंग के और महेश का भी खुश यहां पर। और उतनी अच्छी बैटिंग और ये जोरदार अपील की है कदम 11 के प्लेयर्स ने, शायद बैट पे बॉल लगाए उनका ऐसा कहना है लेकिन अंपायर का डिसीजन नॉट आउट है, अंपायर बोल रहे हैं बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ है। मैच खत्म होने के बाद पुराना बॉल यहां पर जमा करें, सिंह सर बहुत ही अंपायर की जिम्मेदारी रहेगी कि पुराने बॉल जमा करें।
डॉक्टर पुराने बॉल्स की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। अरे वाह स्टंप पे लगा बेल नहीं गिरी, क्या नसीब वाला बैट्समैन है, क्या बात है क्या बात है। देवेंद्र शर्मा डॉक्टर देव बोलते हैं प्यार से लोग, बहुत ही अच्छी बात, अगली गेंद लेके आएंगे एक रन के लिए अपनी टीम के लिए कुछ करने का उनके अंदर जज्बा। स्कोरर वो बहुत कोशिश करते हैं जीतने की उम्मीदें रखते हैं, अपने आप को फाइनल में देखते हैं। स्कोर हुआ है 50 रन एक विकेट के नुकसान पर। हालचाल करो डीएनए मस्टैंग, रेट थोड़ा स्लो है तो आप उसके ऊपर ध्यान दो। ये चार ओवर के बाद क्योंकि डॉक्टर देव शर्मा रन हुए अगली गेंद लेके आएंगे, कैप्टन है अथर्व पैंथर्स के। 70-80 का आप टारगेट कर रहे हो तो आपको एक रन में 10-12 रन ओवर में 10-12 रन बनाना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर हरीश ने कुछ तो संदेश भेजा है अपने प्लेयर बैट्समैन के, वो यहाँ से एक प्लेयर भेजा है और कुछ तो संदेश देके आ रहे हैं। पहले कबूतर जाता था संदेश लेके, अभी प्लेयर जाते हैं डायरेक्टली। आजकल कबूतर की जरूरत ही नहीं लगती है हमें, डायरेक्टली प्लेयर भेज देते हैं, संदेशा दे के चले भी आ जाते हैं। अरे बहुत ही अच्छा बॉल, क्या बॉल था डॉक्टर देवेंद्र ने, ये कैच करने की कोशिश। और ये बैट्समैन समझ नहीं पा रहा है कि ये बॉलिंग क्या कर रहे हैं। मैं भी इसको लास्ट सीजन में OPL 2 में मैं भी ये बॉलर को समझ नहीं पा रहा था। बहुत ही अच्छा बॉलर है ये कदम 11 टीम का डॉक्टर अरविंद सिंह सर, बहुत ही मजबूत, बहुत ही इरादे सख्त है उनके। और ये सीधा फोर, और क्या बात है, संदेशा बहुत ही अच्छा बैट्समैन ने सुना और फोर मार दिया है, क्या बात है। ये संदेशा बीच बीच में देना बहुत जरूरी है बैट्समैन को, क्योंकि बैट्समैन को पता नहीं रहता है कितना स्कोर हुआ है, कितने ओवर हुए। डॉक्टर देव शर्मा की अगली गेंद, लय में खेलने की कोशिश, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन उनको संदेशा भेजना बहुत जरूरी है। डीएनए मस्टैंग को रोक के रखे हैं डॉक्टर, 52 रन एक विकेट के नुकसान पर। यार ये फोर आ गए, ये फिर से कैच यहाँ पर, बहुत बेहतरीन कैच, क्या बात है। और डॉक्टर देव शर्मा को यह विकेट मिली लेकिन फ्री हिट थी तो ये विकेट नहीं, बहुत अच्छी कोशिश लेकिन। अरे डॉक्टर देवेंद्र का अगला बॉल डॉक्टर, अरे बहुत ही अच्छी तरह से ऑफ साइड में मारा है, प्लेयर है वहां पे, देखते हैं क्या करते हैं। और प्लेयर ने बहुत ही अच्छी तरह से फील्डिंग करके सीधा बॉल कीपर के हाथ में डाल दिया है तो 2 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही अच्छी नहीं रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेने में कामयाब। अच्छी फील्डिंग, स्कोर हुआ 56 रन बहुत ही अच्छी तरह एक विकेट के नुकसान पर डीएनए मस्टैंग का। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे और एक ही रन चुराने में कामयाब हो गए। अगली गेंद डॉक्टर देव शर्मा की, बहुत ही टाइट बॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ क्रिटिक एयर के प्लेयर बैठे ये सामना करेंगे डीएनए मस्टैंग। और ये जोर से कसकर मारा हुआ बॉल, अच्छी तरह से खेलो फील्डर तैनात लेकिन कोई रोक नहीं पाएंगे। 4 रन का इशारा, स्कोर बना यहाँ पर 60 रन फाइनल एक विकेट के नुकसान पर। लगता है 100 का शतक पूरा करेंगे डीएनए मस्टैंग। 100 का शतक मैंने पहली बार सुना है, ऐसा कोई बोलता है क्या 100 का शतक? 100 का ही शतक रहता है, मगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके हाथ में माइक है, हम उन्हें कुछ रोक नहीं सकते। जिसमें हाथ में माइक वो कुछ भी बोल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो डॉक्टर देवकर को वैसे भी रोका नहीं जा सकता है, वो बहुत ही फास्ट भागते हैं। अरे बहुत ही अच्छा बॉल बैट ये जोरदार मारा, क्या बात, कोई रोक नहीं पाया। 64 रन्स बैटिंग हो रहे बोर्ड पे पनेल द्वारा और डॉक्टर हरीश बहुत ही खुश यहाँ पे। ये 33 रन पर निजी स्कोर पर खेल रहे हैं डॉक्टर सुदीप बरगजे, 33 रन बॉल में, 33 रन 18 बॉल में। और डॉक्टर कृष्णा यादव 10 बॉल में 26 रन, थोड़ा बढ़ाना। बीएमए मस्टैंग के जाबाज खिलाड़ी, 25 रन भी बहुत, इनकी बल्लेबाजी बहुत चल रही है आज के लिए,
दोनों भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस हिसाब से आगे की टीम है, अगली गेंद लेकर आएंगे डॉक्टर देव शर्मा। 27 रन तीन ओवर के बाद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, दो रन के लिए भागे और आसानी से कंप्लीट किए। देवेंद्र बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। डॉक्टर देवेंद्र अगला बॉलर, एक साइड में डॉक्टर देवेंद्र बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी साइड में डॉक्टर देव। संतोष सर आपको यूट्यूब वाले बुला रहे, संतोष देवकर। यूट्यूब वाले खाना खाना चाहते हैं, खाना और सर खाना खिलाने से बहुत पुण्य लगता है। अरे बहुत ही अच्छी तरह से उठा के मारा, अरे क्या चौक, क्या बात है, डॉक्टर देवेंद्र ने पहले ही बॉल पे ये उनको मनोज उपाध्याय कहां पे है, मनोज उपाध्याय गुलाब भाई कहां पे है। अरे डॉक्टर अब्रार, क्या नाम क्या है डॉक्टर का, मनोज उपाध्याय गुलाब भाई हरीश अरबाज, डॉक्टर अरबाज अगले बैट्समैन और डॉक्टर प्रणील दीपक भाई कैटरर्स, आपको रिक्वेस्ट है चार प्लेट खाना और पानी भेज दीजिए इधर कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तुम्ही तिथे गेले की आवाज द्या, हात दाखवा आणि त्याला सांगा की बाबा इकडे चार प्लेट जेवण आणि पाणी पाठवा। आर मै ओपीएल 3 ऑर्गेनाइजेशन कमिटी की तरफ से डॉक्टर कोटियन का स्वागत करता हूं। यस डॉक्टर कोटियन कदम 11 के मेंटर है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो, उनको उनको उनके लिए मैं उनके लिए तालियों से स्वागत होना चाहिए, स्वागत करना चाहता हूँ। सब सभी लोग तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कोटियन सर का। कोटियन भी बहुत ही एनर्जेटिक प्लेयर, वो अपनी टीम के मेंटर हैं, अपने टीम के लिए बहुत ही मेहनत लेते हो और कल हमें वो दिखे नहीं लेकिन आज दिखे हैं तो मैं उनको स्टेज पे बुला। यहाँ पर डॉक्टर नाजनीन कुछ कहना चाहते हैं कदम 11 की टीम के लिए, मैडम प्लीज। ऑल द बेस्ट करम, मेरी ख्वाहिश है कि हम फाइनल्स तक पहुँचे, फाइनल भी इस बार जीते, लास्ट टाइम भी बहुत मजा आया था, इस बार भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल प्लेयर्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर कदम 11। डॉक्टर कोटियन सर आए अपने बीच, डॉक्टर सर बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छे मेंटर कदम 11 सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपकी टीम के बारे में आप दो शब्द कहो और ओपीएल 3 के बारे में भी आप दो शब्द कहो सर, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। ये ओपीएल जो लीग चालू हो गया है ये डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है अपना फिजिकल फिटनेस रखने के लिए। इतना अभी 3 साल से ये ओपीएल का मैच चल रहा है लेकिन ये डे बाय डे टीम्स ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत डॉक्टर्स लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी मैं मेरा कदम का टीम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ये इसमें डॉक्टर अरविंद सिंह ओनली कॉलेज होल है, वो उसका गाइडेंस से अपना जो फर्स्ट वो आईपीएल में भी वो चैंपियंस रहे हैं और सेकंड में जो रनर अप रहे हुए हैं और अभी ये थर्ड ओपीएल में भी हम लोग चैंपियनशिप जीतने का हक रखते हैं और हम लोग जीत के दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपकी वजह से सबको प्रेरणा मिलती है, आपकी वजह से हम भी ओपीएल 3 ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, आप ऐसे हमारे साथ रहते रहो और हमें ऐसा मोटिवेट कर। ये बहुत ही अच्छी, क्या बात है, डॉक्टर अरबाज ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की थी, बहुत ही अच्छा शॉट मारा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। डॉक्टर कदम 11 के प्लेयर कभी कैच नहीं छोड़ते, मैंने देखा है कदम 11 के प्लेयर बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कोई किसी ने कैच छोड़ा रहेगा तो। और डॉक्टर अरविंद सिंह सर तो डाई मार के कैच लेते हैं, इसमें जॉन्टी रोड से ये कदम 11 के बहुत ही अच्छा बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कैच लिया है।
भाई विवेक हाथ बराबर है ना आज विवेक त्रिपाठी डॉक्टर विवेक त्रिपाठी हाथ कैसा है कुछ प्रॉब्लम है तो फिजियो मैडम से मिलके अपना आपका जो हाथ है वो अच्छी तरह से कर लो क्योंकि आपने को अभी बहुत ही नॉकआउट मैच खेलना है आपको बहुत अच्छा बॉलर है हम आप ऑस्कर और डॉक्टर ध्रुव गोयल यहाँ पे पधार रहे हैं ऑस्कर रॉयल्स टीम के ऑलराउंडर डॉक्टर ध्रुव गोयल बहुत ही अच्छे बैट्समैन और बहुत ही अच्छे बॉलर है कल उन्होंने बहुत ही अच्छा बॉलिंग करके अपने मैच को जिता दिया अपने टीम को जिता दिया था और सर आपका हम ऑर्गेनाइजेशन कमेटी OPL 3 की आपका तहे दिल से स्वागत करती है 4 ओवर 29 रन श्री गणेशा टाइगर्स आप कुछ तो करो 29 रन हुए ओनली 29 रन 4 ओवर हुए सर कितना हुआ है 4 ओवर आपका प्लेयर बेटा है इधर आपका प्लेयर बेटा है टेंशन मत लो पंकज बेटा है पंकज कितना स्कोर हुआ है 29 हुआ है पंकज खुद बोल रहा है 29 रन हुए स्कोर बनाओ तो बनेगा एक विकेट 88 रन BMA मस्तांग के और ओवर 6 ओवर में 92 रन बना लिए BMA मस्तांग ने क्या बात है ये फोर एक मिनट आप है ना उधर आपका पंकज बिठा दिया है आपने 92 डॉक्टर हरी 5 ओवर 6 ओवर टाइगर्स के श्री गणेश टाइगर्स के कैप्टन हरी जरारा आप और एक संदेश भेज दो क्योंकि जरूरत है कबूतर को मत भेजो प्लेयर को भेजो कबूतर को टाइम लगता है संदेश लेके जाने के लिए तो डायरेक्टली प्लेयर भेजो और संदेशा भेजो क्योंकि आपका रन रेट थोड़ा स्लो हो गया है आपको ये लास्ट के 3 ओवर में कवर करना बहुत जरूरी है लास्ट के 3 ओवर में कम से कम 50 रन मारना बहुत जरूरी है आपको उसी तरह से आपको खेलना पड़ेगा और ये डॉक्टर प्रनील बहुत ही अच्छी बैट्समैन है लेकिन कोई बॉलिंग समझ नहीं पा रहे उनको लगा वाइड है लेकिन ये वाइड नहीं था ये अंदर से है बॉल आप वाइड रहो या नो प्रो मारने की कोशिश करो डॉक्टर प्रनील आपको स्कोर की बहुत जरूरत है अरे डॉक्टर देवेंद्र का अगला बॉलर है चूक गए बहुत ही अच्छे बॉलिंग हो रही है कदम 11 टीम से डॉक्टर प्रनील इतने अच्छे बैट्समैन समझ नहीं पाए ये बॉल को और ये बॉल बीट हो गए डॉक्टर देवेंद्र और डॉक्टर रविंद्र ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे बॉलर है और ये बहुत ही अच्छा बॉल मारने की कोशिश की और सीधा बैट्समैन के विकेट की फील्डर के हाथ में और रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं ले पाए मुझे कोई तो पानी पिलाओ यार घसा सूख गया मेरा एनर्जी ड्रिंक मलमीना आमला ऑरेंज एनर्जी ड्रिंक 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर विकेट 1 वरती धावसंख्या आहे 92 जगदाळे इंडस्ट्री जे बनाती है मार्केटिंग बाय जगदाळे हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा वो इम्यून बूस्टर एंड एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है इम्यूनिटी बढ़ाता है हेल्दी रखता है और अपने बैट्समैन और बॉलर के लिए एनर्जी का काम करता है तो ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेट हुआ तो उसके लिए भी मेंटेन अरे रन आउट हो गए डॉक्टर प्रनील एक रन चुराना चाहते थे लेकिन रन आउट हो गए डॉक्टर हरीश धराराव क्यों बैटिंग पे जाने रहे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया बहुत ही अच्छे बैट्समैन है वो थाने से आते हैं लेकिन खुद बैट्समैन पे नहीं बैटिंग करने नहीं जा रहे शायद उनके मन में थोड़ा डर है कि मैं जाऊंगा और नहीं रन बना पाऊंगा तो क्या होगा आप डॉक्टर हरीश बहुत अच्छे बैट्समैन है टेंशन मत लो आप डायरेक्टली जाओ नो बॉल विकेट नंबर 1 पर और 4 लगा के अपने टीम के लिए स्कोर बनाओ कैप्टन है आप कैप्टन कभी डरते नहीं है जो डर गया वो मर गया नो बॉल जीते प्लस 2 3 धावा मिळाला
फ्रीट। डॉक्टर हरीश धरा राव कहाँ पे हाथ दिखा? धाव संख्या 95। दो मिनट स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर हरीश धरा राव। सुंदर असा फटका पाहूया, झेल होतो काय आणि सुंदर असा फ्रीट आहे। डॉक्टर हरीश धरा राव दो मिनट ले स्टेज फ्रीट असल्यामुळे बाद होऊ शकला नाही। बात करना चाहता हूँ, मुझे आपके टीम से बहुत प्यार है, मुझे आपको कुछ सुनना है आपके मुंह से कि आप बॉलिंग इतने अच्छे बैट्समैन है, आप क्यों बैटिंग लेने जा रहे? सर जा रहे हैं, हमारे बाकी भी बैट्समैन से बहुत अच्छे हैं, उनके बाद में मेरा नंबर आता है, उनके बाद में जाऊंगा। नहीं मगर अभी कैप्टन की जरूरत है आपके टीम को, एज अ कैप्टन आपने जाना चाहिए और एज अ कैप्टन फोर और छक्के लगा के अपने टीम का स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप जाओ और धुआंधार बैटिंग करके आपका स्कोर बढ़ाओ। तो डॉक्टर हरीश प्लीज आप बैटिंग के लिए जाओ, आप क्या कहते? थैंक यू राजेश सर, आपने इतना विश्वास मेरे को रखा, 100% मैं ट्राई करूंगा कि मैं अभी बैटिंग के लिए जाऊँ। थैंक यू डॉक्टर हरीश धरा राव, मेरा दिल से जो कहना है मैं कह देता हूँ, कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं रहता है। डॉक्टर हरीश धरा राव को मेरे बहुत ही लंगोटी यार है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है डॉक्टर हरीश धरा राव, और हम सालों से साथ में हैं और उसी तरह मुझे उनकी फिक्र रहती है हमेशा। पुनः एकदा नो बॉल टाकलेला आहे विकेट नंबर 1 वरती। अच्छी तरह से यहाँ पे पधार रहे हैं हमारे स्टेज के ऊपर जाने माने कांदिली कॉम्प्लेक्स के टॉप लीडिंग प्रैक्टिशनर डॉक्टर मोदी यहाँ पे मौजूद है। मैं डॉक्टर विनोद को कहना चाहता हूँ आप उनका स्वागत करें। और उनका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है, 50 की उम्र है लेकिन 19 की उम्र जैसा उनका हेयर स्टाइल है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ सर आपने आपके हेयर इतने लंबे क्यों है? डीएमएम उच्चा संघाचा कृष्णा यांनी 50 धावा पूर्ण केलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या कर्णधार कॅप्टन कडून त्यांना 5001 रुपयाचा इनाम देण्यात येत आहे। मैं आपको पूछना चाहता एक बॉल मेरे बालों के लिए आप कुछ तो बताओ, आपके बाल देख के मुझे बहुत जलन हो रही है। चलो मैं आपका टेस्टोस्टेरोन मेरे से ज्यादा है इसलिए। अनिल सर कुछ तो बोलना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि कैसे बाल उगाने की मैं बताता हूँ। अरे बहुत ही अच्छी तरह से कैच, डॉक्टर अरविंद सिंह ने कैच बहुत ही अच्छी तरह से लिया है। डॉक्टर अरविंद सिंह सर कभी कैच नहीं छोड़ते हैं, उनका कोई भी प्लेयर कैच नहीं छोड़ता है। मैंने OPL 1 और OPL 3 तक इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, कदम मिले उनके हाथ में कैच आया तो वो कैच पकड़ते हैं। और 22-4 धावा खाने की बात कर रहे डॉक्टर मोदी, मैं कैसा खा सकता हूँ? मैं ऑर्गेनाइजेशन कमिटी में हूँ, मुझे बहुत सारा काम है सर, मैं प्लेयर भी हूँ, मैं कैप्टन भी हूँ, मैं क्या क्या करूँ, खाना नहीं खा सकता सर मैं, आप जाके खा के आ जाओ। मुझे मालूम है आपको मेरी बहुत फिक्र है लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे। मुझे कॉमेंट्री भी करनी है, मुझे बैटिंग भी करनी है, मुझे क्या। ओ डॉक्टर हरीश ने बहुत ही अच्छी तरह से शॉट खेला और 2 रन के लिए ये शॉट। डॉक्टर हरीश को मैंने थोड़ा मोटिवेट किया था थोड़ी देर पहले और उसी का मोटिवेशन का वो फायदा उठाते हुए और डॉक्टर हरीश 6 रन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। डॉक्टर हरीश मैं बोलना चाहता हूँ आप नीचे से खेलो, ऊपर से मत मारो, रिस्क मत ले लो और फोर मारने की कोशिश करो। और बहुत ही अच्छी तरह डॉक्टर हरीश खेल रहे हैं, धाव संख्या 114 रन हो गया कंप्लीट। और देखो 2 बॉल में 3 रन डॉक्टर 114। डॉक्टर मोदी सर मैं आपको कहना चाहता हूँ OPL 3 मुझे मैनेज करना है, मुझे ऑस्कर रॉयल का मैं कैप्टन हूँ, मुझे सुंदर सा पुनः एक षटकार करनी है, मुझे कमेंट्री भी करनी है, मुझे हर एक चीज को मैनेज करना है, मुझे टॉस भी करना पड़ता है। मैं कैसे खाना खाऊं, मुझे पास टाइम ही नहीं मिलता है सर। खाना नहीं खाओगे तो इधर ही कोलैप्स हो जाओगे सर, आप खाना खाने आइए। जरूर जरूर सर, मैं आपका सुनता हूँ। और ये रन आउट हो गया श्री गणेशा टाइगर्स का प्लेयर। मैं श्री गणेशा टाइगर्स को एक बात बोलना चाहता हूँ, कदम 11 की फील्डिंग बहुत ही अच्छी है,
रनिंग उनका कैचिंग बहुत मैच द फोर लास्ट चेंडू बाकी है षटका दिल कितने रन हुए भाई तुम्हारे 124 रन हो गए अभी तक कृष्णा वैयक्तिक 68 रन पर खेला था बहुत ही अच्छी तरह से बाउट मारा है लेकिन वहां पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग और एक रन नहीं मिल रहा है ओवर 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 अथर्व पैंथर्स एंड बीएमए मस्तान बीएमए मस्तान 124 रन हुए अभी फेवर में बहुत दूर है उधर स्कोर क्या है 39 रन 6 ओवर 39 रन डॉक्टर हरीश दरारो आपके पास लास्ट ओवर बचा है मैं बोलना चाहता हूँ आप स्ट्राइक पे रहो फोर और छक्के मारने की कोशिश करो आपको स्ट्राइक पे रहना बहुत जरूरी है लास्ट ओवर है बाहित से एक रन अच्छा प्रकार सात छटका मधे और इधर बीएमए मुस्ताजा संघा ने 125 धावा बनवले आहेत तर मिलिंद को कोई टेंशन नहीं है कोई टेंशन फलंदाज कृष्णा ने वैयक्तिक 68 धावा बनवले 68 नॉट आउट टेंशन है किसी का डॉक्टर सुमन देखेंगे क्या टेंशन लेना है वो ले ले डॉक्टर अमित ले ले मैं तो आराम करूंगा और रिलैक्स बैठे है उसे किसी का लेना देना नहीं है और मैच का आनंद लूट रहे हो क्या बात है डॉक्टर हरीश मैं आपसे यही चाहता था आप 4 और 6 लगाए और आपके बैटिंग में आपके टीम का रन स्कोर बढ़ाए क्योंकि आपके टीम को स्कोर की बहुत जरूरी है और डॉक्टर हरीश ने बहुत ही अच्छी तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं 5 बॉल बचे 5 बॉल में कम से कम 5 4 मारो सर अरे सेकंड बॉल अरे बहुत ही अच्छी तरह से मारने की कोशिश लेकिन बात बॉल हवा में और एक कैच मैंने बोला डॉक्टर कदम मिले उनके प्लेयर कभी कैच नहीं छोड़ते सर मैंने अभी तक देखा है कैच लेना बहुत जरूरी है और कैच लेंगे तो ही मैच जीतेंगे सर और कदम मिले उनके टीम टेक कैचेस विन मैचेस तो यही फार्मूला है 50 साल से 100 साल से यही फार्मूला है अभी मेरे बचपन से ही यही फार्मूला है डॉक्टर मोदी सर के बचपन से यही फार्मूला है आपको अगर मैच जीतना है तो कैच लेना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है और ये डॉक्टर ध्रुव गोयल सर बहुत ही आराम से बैठे हैं क्या गॉगल लग रहा है पहना है सर आपने बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं मोदी सर को टफ दे रहे सर आप यहाँ पे बैठ के मोदी सर बालों की स्टाइल लेके आए हैं और आप गॉगल लेके आए हैं मैं तो आप दोनों के आगे कुछ भी नहीं जीरो लग रहा हूँ सर क्या आप दोनों भी फिट है और दोनों बहुत ही अच्छी तरह से और क्या नहीं सर रन नहीं ले पाए डॉक्टर रवि पांडे अरे डॉक्टर रवि पांडे नया गया बैट्समैन का नाम क्या हरीश सर अरे नया बैट्समैन खलचा श्रीकांत क्या है हरीश सर नाम श्रीकांत ब्रिजबान क्या बात है क्या नाम है ब्रिजबान बहुत ही अच्छा नाम मुझे बहुत ही पसंद आया और ये नाम उन्होंने उनके माँ बाप ने उनका ब्रिजबान नाम रखा था बहुत ही अच्छा नाम है और ये वाइट बॉल तो बॉलर अपनी दिशा और लाइन पूरा चूक गए और ये सीधा लेग साइड में वाइट द और उधर डॉक्टर अमित देखो कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने टीम को लेके बहुत ही डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे मगर मोदी सर को कुछ भी टेंशन नहीं है मोदी सर यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा शॉट आ रहे 4 रन बहुत ही अच्छा शॉट मारा है डॉक्टर रवि पांडे ने और 4 रन के लिए अपनी टीम के लिए 4 रन अभी एक एक रन उनके टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक रन जितना रन आप ले पाए ले लो जितना आप आनंद ले पाए इस मैच का आनंद ले लो डॉक्टर अमित टोपी हाथ में लेके घूम रहे उनको मालूम नहीं शायद टोपी पहनने के लिए रहती है टोपी हाथ में नहीं रखते और ये दूसरा शॉट मारा है
और ये फोर थ्रो दो रन लेने में कामयाब। डॉक्टर अमित टोपी हाथों में नहीं सिर पे पहननी चाहिए, आप हाथों में लेके घूमते पता नहीं आप क्या क्या। तुम दूसरों को टोपी मत पहना अमित भाई, तुम दूसरों को टोपी पहनाने का काम बंद करो। अभी आपका मार्केट में नाम खराब हो रहा है, दूसरों को कितना टोपी पहनाओगे आप? मोदी सर को तो हर दिन चार पांच बार टोपी पहनाते हो आप। मोदी सर टोपी पहन पहन के उनके बाल बड़े होते जा रहे, कम नहीं हो रहे। लेकिन आणि विकेट नंबर एक वरती विजयासाठी अथर्व पॅंथर्स याला 126 धावा बनवायच्या आहेत। विन फॉर कदम 11 डॉक्टर हरीश दलालाव के टीम ने 52 रन बनाए है और सात ओवर में कृष्णा यादव यांनी नॉट आउट 68 बनवले। 53 रन बनाने सात सकम बेचार 42 बॉल में 53 रन बहुत इजी टारगेट है। मुझे लगता है डॉक्टर कदम 11 ये अच्छी तरह से अचीव कर पाएगा। अभी टॉस करना है क्रिटिकेयर, वेयर इज क्रिटिकेयर वर्सेस श्री गणेश पैंथर्स मैच होने जाने वाला है। तो क्रिटिकेयर नाइट राइडर्स के कैप्टन डॉक्टर ओमकार काकड़े और श्री गणेश पैंथर्स के कैप्टन शिवम, आप दोनों जल्दी स्टेज के सामने आ जाओ। आपका टॉस होगा, उसके बाद आपका मैच होने वाला है सेमीफाइनल, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे टॉस के लिए आ जाओ स्टेज के सामने। मैं आपको हाथ दिखाओ, जहाँ पे भी आप हाथ दिखाओ। ओमकार काकड़े एंड शिवम टॉस के लिए स्टेज के सामने आ जाओ। ओमकार काकड़े एंड शिवम जल्दी से जल्दी स्टेज के सामने आ जाओ टॉस के लिए। अथर्व पैंथर्स अपना एक प्लेयर स्कोरर के यहाँ पे भेजना है। अथर्व पैंथर्स अथर्व पैंथर्स यांनी आपली सलामीची जोडी त्वरित मैदानात पाठवायची आहे। अथर्व पैंथर्स भाई प्लेयर्स के नाम बताओ ना। बॉलर्स नेम MBA पोसा
डॉक्टर पोसा वैयक्तिक पहिला संघाचा पहिला षटक घेऊन विजयासाठी पॅंथर्स या संघाला 126 धावा बनवायचे आहेत. पहिला गडी बाद झालाय तो अथर्व पॅंथर्स पहिल्या चेंडूवरती एक गडी बाद. विकेट नंबर एक वरती चालू आहे सामना. विजयासाठी 126 धावांचं आव्हान आहे ते पॅंथर्सच्या संघाला. सुंदर चेंडू कृष्णा याचा. विकेट नंबर दोन वरती सामना चालू आहे. कदम इलेवन या संघाचा पहिला गडी बाद झालेला आहे एलबीडब्ल्यूच्या रूपाने. विजयासाठी 53 धावा बनवायचे आहेत कदम इलेवन या संघाला. डॉक्टर अशोक आउट झाल्यानंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी जात आहेत डॉक्टर देवेंद्र. सुंदर अशी गोलंदाजी करताय ते कृष्णा. श्री गणेश टायगरचे गोलंदाज पुन्हा एकदा सामोरे फलंदाज देवेंद्र यांना. सुंदर पाहूया पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा. एक अवांतर धावांनी संघाची धावसंख्या झाली ती एक. विजयासाठी 53 धावांची गरज कदम इलेवन या संघाला. कृष्णा सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत आपल्या बॉलिंग मार्क करताय. पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्रीच्या समोरून धावतायत. सुंदर असा कट केलाय विकेट किपरच्या बाजूने चेंडू जातोय सीमेरेषे पलीकडे 4 धावांसाठी. पंचांचा इशारा चौकार. 4 या धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 5. पुन्हा एकदा कृष्णा गोलंदाजीसाठी सज्ज. देवेंद्र यांना सुंदर फटका गॅपमध्ये मारलाय. एक धाव दोन्ही फलंदाज डाऊन पूर्ण करतायत. एकच धाव एका धावीने संघाची धावसंख्या होते ती 6. पुन्हा एकदा कृष्णा षटकातील पुढील चेंडू घेऊन समोर फलंदाज डॉक्टर अरविंद यांना. हे
आणि वाईट चेंडू घोषित केलाय पंतांनी. हॅलो, थर्ड मॅच के लिए ओजन वॉरियर्स और केस चैलेंजर्स दोनों जन के कैप्टन है स्टेट पे है. ओजन वॉरियर्स एंड केस चैलेंजर्स केशनाथ सर और ओजन कृष्णा इलेवन सात वरती एक गड़ी बाद चार चेंडू आने पुनः एकदा कृष्णा सामने फलंदाज है डॉक्टर अरविंद. पुन्हा एकदा अवांतर वाईट चेंडू. ओजन वॉरियर्स के कैप्टन केस वॉरियर्स के कैप्टन केशनाथ सर आ चुके हैं. नहीं खेलेंगे भाई, इधर खड़े हैं लेकिन उनका ओजन का नहीं ऐसा बोल रहे. सर ऊपर आ जाओ. सॉरी, ओजन वॉरियर्स एंड केयर चैलेंजर्स. केयर चैलेंजर्स के कैप्टन पुन्हा एकदा कृष्णा गोलंदाजीसाठी सज्ज. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. डॉक्टर सतीश सर. सतीश सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि टॉस उड़ा निकली आए. ओजोन सेवियर्स के कैप्टन डॉक्टर अतुल पारस्कर. धाव संख्या 9 विजयासाठी 53 धावांची गरज. डॉक्टर सबाउद्दीन सात षटका मध्ये सुंदर अशी फलंदाजी होते ती कदम इलेवन या संघातर्फे. टॉस करेंगे डॉक्टर सतीश वानवे सर, ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फाउंडर ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे सबके चॉकलेट बॉय कहलाते हैं. सुंदर सा हल्के से बैट ने खेला है कवरच्या दिशेने एक धाव पूर्ण करता है दोन्ही फलंदाज. ओजोन सेवियर्स और ये जीते हैं डॉक्टर सबाउद्दीन केयर चैलेंजर्स. पुन्हा एकदा कृष्णा षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन सुंदर असा कट केलाय. थर्ड मॅनच्या दिशेने एक धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. केयर चॅलेंजर्स ने जीता है दुसरी धाव पूर्ण केली आहे. डिसिजन बताएंगे आणि तिसरी धाव घेण्याच्या सुंदर अशी रनिंग करतायत ते डॉक्टर अरविंद. तिसरी धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती कदम इलेवन या संघाचे 13 रन्स. सहा षटकामध्ये अजूनही 40 धावांची गरज आहे. 42 चेंडू आणि 40 धावा विजयासाठी. बॉलर्स नाव काय स्वप्नील नाही बॉलर्स नेम. डॉक्टर प्रनिल वैयक्तिक पहिला संघाचा दुसरा षटक घेऊन सामोरे फलंदाज देवेंद्र यांना. हॅलो हॅलो. धावसंख्या झाली ते एक गडी बाद 13. देवकर सर अजून एक सुंदर आणि पुन्हा एकदा ANH मेडिको आणि 7 स्टार स्ट्रायकर्स पाहिजेची अपील मागितली पंतांनी ती अपील फेटाळलेली आहे. अँड 7 स्टार स्ट्रायकर्स लेग बायच्या रूपाने एक धाव घेत आहेत. कॅप्टन स्टेज के सामने आहे. बॅट पे आहे. ओ सर हाय क्या हूं. ANH मेडिको के कॅप्टन डॉक्टर संतोष सावंत सर और 7 स्टार सुंदर अशी फास्ट गोलंदाजी करतायत ते प्रनिल तिडके सर. यहां पर टॉस होगा. टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अमोल काटे सर को. डॉक्टर अमोल काटे सर सुंदर सा स्ट्रेट मारला है कैच होने का पाऊ या जेल सुटलेला है. टॉस करें उनको 5 रुपए दे. दोन धाव अशा प्रकार पूर्ण केला है दोनों फलंदाजांनी. कौन बोलेगा. धाव संख्या होते है 14. पहला षटक चालू 16 धाव झाले. सॉरी अमोल सर पुढे या. इकडे पुढे या ना ते यूट्यूब कवर करते. टॉस यस. ये टॉस हो रहा है.
सेवन स्टार स्ट्राइकर और एएनएच मेडिको चावी पे नहीं, ये टॉस जीता है एएनएच मेडिको ने, फील्डिंग सिलेक्ट किया उन्होंने, तो सेवन स्टार स्ट्राइकर को बैटिंग करनी पड़ेगी। प्रनिल केयर चैलेंजर्स ने फील्डिंग चूज किया है, केयर चैलेंजर्स फील्डिंग फील्डिंग दीदे उधर लिख के रख भाई, वो बुक है ना उसके ऊपर केयर चैलेंजर फील्डिंग, और इससे पहले वाले का किसका फील्डिंग है या बैटिंग है। डॉट नहीं एक लिया ना, मतलब लेग बॉल तो डॉट है। पुन्हा एकदा प्रनिल सुंदर असा मारलेला पॉइंटच्या वरून मारला, पाहूया मिस फील्डिंग होते तिथे, दोन धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज, तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात सुंदर अशी रनिंग करतायत ते डॉक्टर अरविंद, तीन धाव पूर्ण केल्यात अशा प्रकारे, धाव संख्या झाली होती 20। पुन्हा एकदा डॉक्टर प्रनिल गोलंदाजीसाठी तयार, आणि सुंदर चेंडू, तेवढाच निर्धाव होतोय चेंडू, तीन काढले। पुन्हा एकदा डॉक्टर प्रनिल डाव्या एसटी बाहेर जाणारा चेंडू, एक धाव घेत आहेत, व्हाइट बॉल घोषित केलाय पंचांनी, व्हाइट प्लस एक अशा प्रकारे या दोन धावा मिळालेल्या आहेत। धाव संख्या होते ती 22, दुसरा षटक चालू, पुन्हा एकदा डॉक्टर प्रनिल वैयक्तिक पहिला संघाचा दुसरा षटक घेऊन देवेंद्र यांना सुंदर असा उंच फटका मारलाय, पाहूया सीमारेषा पलीकडे सहा धावांसाठी, आणि हा सुंदर षटकार सहा धावांनी संघाची धावसंख्या होते ती 28, देवेंद्र यांचा सुंदर असा षटकार, डॉक्टर राकेश यादव दोन षटकाच्या समर्थनानंतर धावसंख्या आहे ती कदम 11 या संघाच्या 28, दोन गडी एक गडी बाद 28, सुंदर अशी फलंदाजी होते कदम 11 या संघातर्फे। कमाल सर ने जोरदार बल्ला घुमाया लेकिन कोई दूर दूर तक कॉन्टेक्ट नहीं, और एक दूसरे को खाली 28 चेतावनी दे रहे हैं, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कदम 11 दो ओवर में 28 रन हो गए एक विकेट पे। पुन्हा एकदा कृष्णा गोलंदाजी साठी आलेले आहेत, वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचा तिसरा षटक घेऊन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक डॉक्टर कमाल के बल्ले से 6 रन के लिए, आज दिखा है दमखम डॉक्टर कमाल अहमद। केयर चैलेंजर्स पुन्हा एकदा कृष्णा वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचा तिसरा षटक घेऊन सामरे फलंदाज डॉक्टर अरविंद यांना चूज किया है उन्होंने, तो बैटिंग आपको करना है, आणि व्हाइट बॉल ओझोन सेवियर्स अतिशय व्हाइट चेंडू टाकत आहेत ते, ओझोन सेवियर्स बैटिंग गोलंदाज पिच टू, बहुत अच्छी बैटिंग यहां पर डॉक्टर कमाल की। सुंदर असा फटका स्ट्रेट मारलेला आहे, पाहूया
अरबाजानी सुंदर असा चेंडू पकडलाय आणि थ्रो करतायत, तोपर्यंत दोन धावा पूर्ण करतायत अरविंद आणि देवेंद्र दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या झाली होती 31 31 एक गडी बाद. अपने टीम के लिए डॉक्टर देव शर्मा कुछ कहना चाहते हैं. पुन्हा एकदा कृष्णा उजव्या हाताने मारा करतोय सामान्य फलंदाज डॉक्टर अरविंद यांना आणि डाव्या एस टी बाहेर त्या चेंडू पंथाने वाईट बॉल घोषित केलाय. एक अवांतर धावीने संघाची धावसंख्या झाली होती 32 32 एक गडी बाद. विजयासाठी अजूनही 21 धावांची गरज. तिसरा षटक चालू आहे. तो अभी भी उम्मीद है डॉक्टर अब्दुल को और डॉक्टर देव शर्मा को. पुन्हा एकदा कृष्णा गोलंदाजीसाठी सज्ज. सामोरे फलंदाज डॉक्टर अरविंद सुंदर अशी फलंदाजी करतायत ते. डॉक्टर अरविंद आज उनका दिन है, उनको दिखाना पड़ेगा आज अपना बल. सुंदर सा उनका फटका बना पाया झेल होते का झेल का होश नहीं. सेफ जोन मध्ये चेंडू पड़ता है. एक धाव पूर्ण करता है, दूसरी धाव पूर्ण झाली आहे. करता है जितना बॉल का सम्मान करते हैं. काफी लाल आज भरा बॉल था. धाव संख्या झाली होती 34 34 एक गड़ी बाद. इसलिए नहीं मुड़ पाए. दोन षटक आणि दोन चेंडू झालेले आहेत. बहुत अच्छा कमाल एकदम शॉट खेले. भाग सकते हैं लेकिन वो बॉल को ज्यादा देखते हैं, रन कम भागते हैं. पुन्हा एकदा कृष्णा मजाक हलक्याशा बॅटने खेळून एक धाव घेतलेली आहे. एका रवीने संघाची धाव संख्या होती ती 35 35. डाबर लाल दंत मंजन का बहुत ही अच्छा शॉट खेला है डॉक्टर राकेश ने. अथर्वा पैंथर किस तरफ से जीतने की कोई उम्मीद तो है नहीं लेकिन कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, उसमें हमारे कमान सर. धाव संख्या 35 पुनः एकदा कृष्णा गोलंदाजी साठी तैयार. जी का प्रदर्शन एमबीए द्वारा सुंदर सा कट केला आहे आणि चेंडू जातो आहे तो चार धावांसाठी चौकार. सुंदर फलंदाजी देवेंद्र यांची. कमान सर से निवेदन आहे. वैयक्तिक 7 चेंडू मध्ये 22 धावांवरती खेळत आहे ते देवेंद्र. दोन चौकार आणि एक षटकार मारलेला आहे त्यांनी आपल्या या स्कोर मध्ये. वा वा बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन. बैट्समैन थक गए हैं, भाग नहीं पा रहे हैं. धाव संख्या 39 लेकिन पिच छोड़ने का नाम नहीं ले रहे. बंदा छूट जाएगा तो कैसे चलेगा. रन भले निकले चाहे नहीं निकले, 7 ओवर खेलना है इनको. मैडम के बाजू ना मैडम मैडम डायरेक्ट ऊपर जाना. जिस तरह से कमर पे हाथ रख के हमारे बैट्समैन खड़े हैं मानो कि ऐसा लग रहा 50-50 रन एक एक लोग मार के खड़े हैं. बहुत अच्छे, खाली कोशिश कर रहे हैं. कोशिश करने वालों की ही सिर्फ हार होती है. तो अब्दुल सर की तरफ से दो बाउंस चेक 50-50 हजार का मिलेगा. 39 जिस तरह से शेर की तरह देख रहे हैं बॉलर को लगता है इस बार कुछ तो कारनामा करके दिखाएंगे. कमाल सर ये अपनी बॉडी को नहीं मोड़ पा रहे हैं अपने कमर की वजह से. लास्ट मैन में उनके कमर में चोट लग गई थी जो कमर नहीं कमरा है. बहुत अच्छे. पुन्हा एकदा कृष्णा सुंदर फटका. बहुत अच्छे सुंदर क्षेत्ररक्षण तिकडे. दोन धाव मात्र पूर्ण करतायत देवेंद्र आणि अरविंद. दोन धावांनी संघाची धाव संख्या झाली आहे ती 41 41. अगर इस बॉल पे कमाल सर छक्का या चौका मारते हैं तो उनको 50-50 का दो नोट दिया जाएगा. कमाल सर की ये आखिरी और पहली गेंद लग रही है. जिस तरह से उन्होंने प्लेस किया, इतना सम्मान दिया बॉल को, इतना सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा. और उसी तरह से भागते हैं पिच पे कि कहीं मिट्टी ना उड़ जाए. छोटे छोटे कदमों से
बहुत ही प्यार से बहुत सुंदर सा चेंडू निर्धा होतो है। षटक संपल्याचा इशारा करता है पंच। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 41 एक गडीबाद। छक्का मारो हाँ। 30 चेंडू आणि 22 धावांची गरज अजूनही विजयासाठी। 30 चेंडू आणि 12 धावा 24 चेंडू। दोन अन्ने बचे अपने टीम को हौसला अफजाई 12 रन 24 बॉल बैट्समैन को देते हुए। कमान सर बहुत ही अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं बल्लेबाजी की। टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये टेस्ट मैच है कमान सर के लिए। ये बहुत ही आसान से ये टेस्ट मैच खेल के निकाल देंगे इन्होंने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कमान सर। टेस्ट मैच के प्लेयर हैं हमारे ये, लेकिन इनको 220 में उतार दिया गया है। अफसोस की बात है ये। हमारे टेस्ट क्रिकेटर डॉक्टर कमान बहुत अच्छा बल्लेबाजी करके आए हैं। डॉक्टर राकेश अग्ने बैट पुनः एक डॉक्टर विकेट नंबर 2 वरती गोलंदाजी साठी आले ते प्रनिल वैयक्तिक दुसऱ्या संघाचा चौथा षटक घेऊन अपनी टीम को विजयासाठी 12 धावांची गरज आहे अजूनपर्यंत। ये मिस फील्डर कैच ड्रॉप हो गया है तो ये भी विकेट ही था। अथर्वा पैंथर्स बहुत ही नाजुक स्थिति में और हार की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई अथर्वा पैंथर्स। पुनः एक प्रनिल वैयक्तिक दुसरा संघाचा चौथा षटक घेऊन डावे एसटी बाहेर जाणारा चेंडू नक्कीच पंचांनी वाईड बॉल घोषित केलाय। थैंक यू डॉक्टर देव। 42 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। शेर की तरह दहाड़ रहे हैं बॉलर को इस तरह से। 11 धावांची गरज पुनः एक प्रनिल कमर नहीं मुड़ी वही चीज बार बार हो रही है। सुंदरता फटका थोड़ा चांगले क्षेत्र रक्षण दोन धाव मात्र पूर्ण करता है दोनों फलंदाज। दोनों धावने संघा धाव संख्या होती है 44 44 धाव आ। अगर कमाल सर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सुंदर सा फटका मार लिया पाहूया क्षेत्र रक्षक जातो है चेंडू नक्की जोरदार तालियों से। मिस फील्डिंग में दूसरी धाव पूर्ण करता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया खेला। अपने छोटे छोटे कदमों से चल के आ रहे हैं या लाना पड़ेगा। धाव संख्या होते है 46 कदम 11 एक गड़ी बाद। पुनः एक प्रनिल गोलंदाजी तैयार समोर फलंदाज डॉक्टर अरविंद सुंदर सा फटका मारला है पाहूया गैप मध्ये जातो है का चेंडू नाही कृष्णाच्या हाता चेंडू कृष्णा ने थ्रो मारला है एसटी रक्षका जवळचे। अशा प्रकारे एक धाव पूर्ण करता है दोनों फलंदाज। धाव संख्या होते है 47 एक विकेट। फक्त 5-6 धावांची गरज विजयासाठी कदम 11 या संघाला। पुन्हा एकदा प्रनिल सुंदर फटका मारलाय आमच्या पॅव्हिलियनच्या इकडे आणि मला वाटतं हा सुंदर असा चौकार सुंदर अशी फलंदाजी होते ती। श्री गणेशा मेडिको देवेंद्र यांच्याकडून वैयक्तिक 28 धावांवरती खेळत आहेत ते। 4 चौकार आणि 1 षटकार मारून शिवम धारराव दोन धावांची गरज। ओमकार काकडे सुंदर असा फटका आणि मला वाटतं हा सुंदर चौकार कदम 11 यांचा 9 विकेट्स ने विजय या सामन्यामध्ये। ओमकार काकडे सुंदर अशी फलंदाजी। बत्तीस धावांवरती नोट आउट आहे ते डॉक्टर देवेंद्र। यहाँ पर लंच बंद हो जाएगा अगले 15 मिनिट में। जीत गए लंच बंद हो जाएगा 15 मिनिट में। ओ सतीश लंच बंद हो जाएगा 3 ओवर 2। यहाँ पर डॉक्टर अनिल की स्पेशल डिमांड चिकन टिक्का रहेगा तो ही खाएंगे नहीं तो खाली पेट रहेंगे। मुझे लगता है आज उनको भूखे पेट रहना पड़ेगा और वो खुश है अपने फैसले से। शिवम धारराव और ओमकार काकड़े ऑस्कर क्रिटिकेयर सुपर किंग्स और गणेशा पैंथर्स इनका टॉस करेंगे अपन।
और टॉस के लिए स्पेशली यहां पर बुलाया जाएगा डॉक्टर हिमांशु मोदी सर को। डॉक्टर हिमांशु मोदी सर, टॉस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। टॉस करेंगे गणेशा पैंथर्स और क्रिटिकेयर सुपर किंग्स का। एक मिनट, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर रवि पांडे सर, आप हमारे कमेंट्री स्टेज पे आ जाइए। बॉलिंग चूज टू फील्ड, गणेशा पैंथर्स चूज टू फील्ड कमेंटेटर। गणेशा पैंथर्स, गणेशा पैंथर्स या संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। देवकर साहब, पिच वन आणि पिच टू ला कुठल्या मॅच खेळवायचे? पिच वन, दिस वन ना, पिच टू, पिच टू। गणेशा पैंथर्स और क्रिटिकेयर सुपर किंग्स, फटाफट आहे फील्डिंग लगा।